हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिशेलिनिस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर टेन उसका क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन ये बोल रहा है कि शो दैट द डायरेक्शन कॉ साइंस ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ओ एक्स ओ आई एंड ओ जैड आर प्लस और माइनस वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री राइट इन शॉर्ट आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको दिया गया है कि जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सेस तो समझ लो कि जो इक्वली इंक्लाइंड है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे तो हम समझ के चलते हैं लेट द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ सेड एट एंगल जो भी एंग हो, होगा हो एंगल आ, वो एंगल ए की होगा तो उसको मैं एंगल अल्फा समझ के चल रहा हूँ बराबर ओके तो आगे समझते देन द डेक्शन को साइंस ऑफ द वैक्टर r वो वैक्टर के डिरेक्शन कॉसाइंस क्या हो जाएंगे कॉस आल्फा कॉस आल्फा एंड कॉस आल्फा राइट क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिरेक्शन कॉसाइंस होते हैं वो यूनिट वैक्टर के को एफिशियंट होते मतलब कि i पावर के आगे जो होता है वो j पावर के अरे सॉरी j पावर के आगे जो होता है वो प्लस करके k पावर k कैप के आगे जो होता है वो इन सब में यहाँ पे जो होता है उसको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और गामा बोलते हैं और ये जो पूरा चीज़ होता है वो यूनिट फैक्टर होता है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालू, निकालू, तो वो वन होगा वो तो आपको पता ही है तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू वन तो इसके हिसाब से हम जानते कि क्योंकि वी नो दैट अंडर रूट में ये कॉस स्क्वायेर आल्फ़ा प्लस कॉस्क्वायर अल्फा प्लस कॉस्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये वन हो जाएगा बराबर क्यों वन होगा वो आपको पता है क्योंकि मैग्नीट्यूड यूनिट वैक्टर का वन होता है और यूनिट वैक्टर में ये जो को एफिशेंट होते वही तो हमारे डिरेक्शन कोसाइंस से तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करने पर आपको इधर मिल जाएगा थ्री को स्क्वायर आल्फा इज इक्वल टू का वन मतलब कि कॉस स्क्र आल्फा इज इक्वल टू वन बाई थ्री एंड दैट मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री प्लस और माइनस राइट सो अभी एक कॉस अल्फा वन बाई रूट थ्री आया प्लस और माइनस तो बाकी सारे वही होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस द डिरेक्शन कॉसाइंस विल बी को Will be, वो क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाय रूट थ्री बराबर चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास कुछ ऐसा देख लीजिए तो ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी और सी करके तीन वेक्टर दिए हैं मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कि ए वेक्टर जो है वो आपके पास है आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप बी वेक्टर जो है थ्री आई कैप टू जे, जे कैप प्लस सेवन के कैप सी वेक्टर जो है टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप पूछा है कि फाइंड द वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी पोथ ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो वैसा वेक्टर चाहिए एंड सी डॉट डी हमें फिफ्टीन दिया है तो वी नो दैट लेट से लेट डी बी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू बोथ ए एंड बी ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर जब भी होता है तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू ज़ीरो होती है एंड वैसे ही सॉरी ए डॉट बी नहीं ए डॉट डी की वैल्यू जीरो होती है और ए डॉट डी अरे और एंड बी डॉट डी ये ये भी ज़ीरो होगा राइट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम समझ लेते लेट डी इज इक्वल टू लेट डी इज इक्वल टू कोई ले लो कुछ भी मान लो कि पी आई कैप क्यू जे कैप एंड प्लस पी क्यू आर के कैप राइट ये मेरा डी वेक्टर है तो पहला मुझे पता है कि ए डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो ए की ए वैक्टर तो आपके पास है ही आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस टू के कैप और इसके साथ ये लगा देंगे हम पी आई कैप क्यू जे कैप प्लस आर के कैप इज इक्वल टू ज़ीरो विच मीन्स यहाँ पे एक इक्वेशन आपको मिलेगी जो कि कुछ ऐसी होगी कि पी प्लस फोर क्यू प्लस टू क्यू टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरा भी कर सकता हूँ कि b डॉट d इज इक्वल टू जीरो बी वैक्टर भी आपके पास है वो कुछ ऐसा है कि थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप इज इक्वल टू अरे इज इक्वल टू नहीं इन टू डी क्या है पी आई कैप क्यू जे कैप प्लस आर के कैप बराबर इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं थ्री पी माइनस टू के क्यू प्लस सेवन आर इज इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर टू आपको तीसरा भी गिवन है कि सी डॉट डी इज इक्वल टू फिफ्टीन ये तो गिवन ही है तो सी वेक्टर आपके पास है और डी भी है उसको भी लगा दो टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप इसके था इसके साथ डी आएगा पी आई कैप क्यू जे कैप एंड आर के कैप इज इक्वल टू जीरो टू पी माइनस क्यू प्लस फोर आर इज इक्वल टू जीरो ब्रैकेट में यहाँ से हटा देता हूँ तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर थ्री बराबर नाउ एडिंग इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री वन प्लस टू प्लस थ्री तीनों को ऐड करना है हमें तो वो तीनों को ऐड करना है मतलब कि देखो ये पहला हो जाएगा p प्लस फोर क्यू प्लस टू आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो अच्छा यहाँ पे ज़ीरो नहीं है फिफ्टीन है बराबर ये हो जाएगा थ्री पी माइनस टू क्यू प्लस सेवन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू पी माइनस क्यू प्लस फोर आर इज इक्वल टू फिफ्टीन यहाँ से आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा थ्री पी प्लस थ्री फोर फोर प्लस टू सिक्स तो सिक्स पी प्लस फोर माइनस टू माइनस मतलब कि प्लस का क्यू और दूसरा इधर से हो जाएगा टू प्लस सेवन प्लस फोर इलेवन प्लस टू थर्टीन आर इज इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टीन राइट अब समझना ये है आपको कि इसमें आप कोई भी आ, q को एक को सब्जेक्ट बना लो तो आपको p और r में इक्वेशन मिलेगी ये ऐड नहीं करना है ना तो एक एक दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं कि मान लो कि फ्रॉम इक्वेशन वन आपके पास इक्वेशन वन तो है फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या कर सकता हूँ देखो फ्रॉम इक्वेशन वन में पी को सब्जेक्ट बनाऊँ तो पी इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू माइनस टू आर ये हुआ पुट इट इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन नंबर टू में चलो तो इक्वेशन टू तो हमारा यहाँ पे है थ्री पी माइनस टू क्यू करके जो भी है वो तो ये थ्री ब्रैकेट माइनस फोर क्यू माइनस टू आर माइनस टू क्यू प्लस सेवन आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ये जो वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि <coughs> माइनस ट्वेल्व क्यू माइनस सिक्स आर माइनस टू क्यू प्लस सेवन आर विच मीन्स माइनस ट्वेल्व माइनस टू माइनस फोर्टीन क्यू ये क्या हो जाएगा प्लस का आर इज इक्वल टू ज़ीरो विच मीन्स आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कि आर इज इक्वल टू फोर्टीन क्यू ये मैं लिख सकता हूँ ठीक है इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फोर अब समझना है अच्छे से ध्यान से समझना ये जो आर की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन थ्री में डाल रहा हूँ पुट आर इज इक्वल टू फोटीन क्यू इन इक्वेशन नंबर थ्री तो इक्वेशन नंबर थ्री हमारा क्या था वो पहले लिख देता हूँ मैं टू पी माइनस क्यू प्लस फोर आर इज इक्वल टू फिफ्टीन था इसमें फोर आर मतलब ये फोर्टीन फोर्टीन सा क्या हो जाएगा फोर्टीन फोर सा फिफ्टी सिक्स हो जाएगा तो टू पी अच्छा एक काम करो ना इसको थ्री में नहीं बट इसमें ये इक्वेशन है ना इसको हमें बोल देता हूँ दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर फाइव और ये जो मुझे मिल मिला था यहाँ पे p इज इक्वल टू जो भी उसको मैं बोलूँ इक्वेशन नंबर फोर तो मैं अभी r की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फोर में लगाता हूँ पुट r इज़ इक्वल टू फोर्टीन क्यू इन इक्वेशन फोर बराबर फोर फोर ओके तो ये है p इज इक्वल टू माइनस फोर क्यू माइनस टू आर की जगह पर फोटीन आर क्यू लगा देता हूँ फोर्टीन क्यू तो ये हो जाएगा माइनस फोर क्यू माइनस ट्वेंटी एट क्यू मतलब कि p इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू क्यू मिला इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर मेरा सिक्स राइट right? अभी फाइव और सिक्स जो है वो दोनों इक्वेशन नंबर थ्री में डाल देते हैं पुट पी इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू क्यू एंड क्यू सॉरी आर इज इक्वल टू फोर्टीन क्यू फोर्टीन क्यू इन इक्वेशन नंबर एक ही मिनट ये दोनों ही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं कौन सा है अपना थ्री तो इक्वेशन नंबर थ्री हमारा ये है आ, कि टू पी माइनस क्यू प्लस फोर आर टू पी माइनस क्यू प्लस फोर आर इज इक्वल टू फिफ्टीन जिसमें आपको पी की वैल्यू डालनी है माइनस थर्टी टू क्यू माइनस क्यू एज इट इज फोर आर की वैल्यू आपको डालनी है फोर्टीन क्यू इज़ इक्ल टू फिफ्टीन तो माइनस सिक्सटी फोर थर्टी टू टू ज माइनस सिक्सटी फोर क्यू माइनस क्यू प्लस फिफ्टी सिक्स क्यू इज़ इक्ल टू फिफ्टीन तो ये फिफ्टी सेवन हुआ फिर थ्री प्लस सेवन मतलब कि थ्री प्लस फोर मतलब सेवन तो यहाँ से कुल मिला करके सिक्सटी थ्री और फिफ्टी सिक्स फोर प्लस फाइव मतलब कि माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन मतलब कि q इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई नाइन बट माइनस थ्री से कट होगा फाइव ज़ा थ्री ज़ा तो q की वैल्यू आपको मिल गई माइनस फाइव बाई थ्री अब आपको p और q दोनों की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज वी नो दैट p इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू क्यू तो ये माइनस थर्टी टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव बाई थ्री राइट ये हो जाएगा वन सिक्सटी अपॉन थ्री पी की वैल्यू सिमिलरली आर इज इक्वल टू वी हैव फोटीन क्यू सो 14 मल्टीप्लाई माइनस फाइव बाई थ्री विच मीन्स माइनस सेवेंटी बाई थ्री तो पी क्यू आर मिलने पर आपको डी वैक्टर uh, जो है वो मिल जाएगा मीन्स कि वैक्टर डी इज इक्वल टू पी आई कैप क्यू जे कैप प्लस आर के कैप p वेक्टर कौन सा है वन सिक्सटी बाई थ्री आई कैप क्यू नहीं बराबर और q जो है माइनस फाइव बाई थ्री जे कैप सेवन माइनस ही आएगा सेवेंटी बाई थ्री तो माइनस सेवेंटी बाई थ्री के कैप तो ये डी वे, हो गया हमारा आंसर ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमें क्या दिया है देखो कि स्केलर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू वन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमड़ा मतलब मान लो कि ए इज इक्वल टू मेरे पास है आई प्लस जे प्लस के बराबर ये मेरा बी है और सी है तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो बी वेक्टर में लिख रहा हूँ टू आई फोर जे माइनस फाइव के सी वेक्टर मेरा है लैमडा आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप तो बी और सी का सम जो है उसका रिज़ल्टेंट आर होता शायद तो बी प्लस सी हुआ ये बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा अगर मैं सीधा लिखूँ तो टू प्लस एलैमडा आई कैप फोर प्लस टू मतलब सिक्स सिक्स जे कैप माइनस फाइव प्लस थ्री मतलब कि माइनस टू के कैप बराबर तो ये मेरा रिज़ल्टेंट हुआ बी और सी का अब ये पूछा है कि स्केलर प्रोडक्ट किसका ए का और इन दोनों के आ, एडिशन का वन है तो हमें लैमडा फाइंड करना मतलब कि ए डॉट आर इज इक्वल टू वन तो यहाँ पे कर लेते हैं फिर विद द यूनिट फैक्टर अलोंग द डायरेक्शन ओके इसका भी यूनिट फैक्टर है ना अभी थोड़ा थोड़ा और बाकी है इसका यूनिट फैक्टर यूज करना है आर कैप फाइंड करनी है अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर तो ये ऊपर तो यही रहेगा टू प्लस सिक्स प्लस जे कैप माइनस टू के कैप फोर ठीक है अब समझना इसको मुझे यहाँ पे ये जो बोला है ना वो ये बोला हुआ है कि ए इंटू आर नहीं बट ए इंटू आर कैप बोला हुआ है तो देखो ये आर कैप यहाँ पे कर दूँ मैं तो ए तो आपको पता ही है ए की वैल्यू क्या है आई कैप जे कैप एंड के कैप यहाँ पर ये है मेरा टू प्लस टू प्लस लैमडा आई कैप आ, प्लस आ, क्या आएगा प्लस सिक्स जे कैप एंड माइनस टू के कैप अपॉन में ये जो भी है वो टू प्लस लैमडा का होल स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू ये वन दिया हुआ है अब ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं और ये पूरी चीज़ उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ये मिलेगा टू प्लस लेमड़ा प्लस सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर फोर लेमड़ा फोर प्लस फोटी टू टू कैंसल सिक्स प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस फोर लैमडा प्लस फोर्टी फोर दोनों साइड स्क्वायर कर लो लैमडा स्क्वायर ट्वेल्व लैमड़ा प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर प्लस फोर लेमड़ा प्लस फोर्टी फोर लेमडा स्क्वायर कैंसल तो ये हो जाएगा फोर इधर आने पर एट लेमड़ा इज इक्वल टू तो ये माइनस हो करके एट मतलब तो कि लेमड़ा इज इक्वल टू तो वन ठीक है इजी इक्वेशन है बट पूछा जा सकता है ट्विस्टेड है <coughs> नाउ क्वेश्चन नंबर फोरटीन देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या पूछा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए बी सी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और इक्वल मैग्नीट्यूड के भी है शो दैट द वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल टू फिफ्टीन इज इक्वली इनक्लाइन टू ए बी एंड सी क्या पूछा है शो दैट तो वेक्टर ये कुछ गलत हो गया है यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है शो दैट द वेक्टर यहाँ पे आपको पूछा ये है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इनक्लाइन टू ए बी सी बराबर ये पूछा है करेक्शन कर देना वो प्रिंट मिस्टेक है उसमें तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ए बी एंड सी आर परपेंडिक्यूलर टू ईच अदर तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए तीनों की वैल्यू हमें ज़ीरो दी गई है ऊपर से ये भी बोला है कि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड सी का मैग्नीट्यूड वो भी इक्वल है फिर आपको ये पूछा गया है कि लेट हम हमें जो प्रूव करना है कि वो लेट ए प्लस बी प्लस सी इज़ इनक्लाइंड टू ए बी वेक्टर ए बी एंड सी एट एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली बराबर रिस्पेक्टिवली तो आपको तो पता है कि अगर कॉस अल्फा चाहिए कॉस अल्फा, तो वो क्या होता है कॉस अल्फा? कॉस अल्फा जो है वो ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है ना कि अगर ए डॉट बी जो है उसका ये फार्मूला है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा तो मैं कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाऊँ अगर कॉस थीटा तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये फार्मूला है तो मतलब यहाँ पे मैंने मुझे ये पता चला कि ये जो वेक्टर है वो ए के साथ अल्फा एंगल पे है तो मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू इस तरह से लिखी है आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा तो अभी ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी नीचे मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जिसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है और ये जो है उसको मैं ए ही लिख रहा हूँ बराबर ये दोनों कैन ज़ीरो है तो वो निकल जाएंगे मतलब कि आपके पास ऊपर जो ए डॉट ए जो है उसको मैं a का स्क्वायर बोल सकता हूँ और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बोल सकता हूँ विच इज़ नथिंग बट यहाँ से ये यह कैंसिल होकर के आपको मिलेगा मोड ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ़ ए प्लस बी प्लस सी इसको इक्वेशन वन बोलो अभी है मेरा कॉस बीटा और कॉस गामा मुझे फाइंड करना वो भी सेम ऐसा ही आना चाहिए देखो मैं कॉस बीटा सिर्फ लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल है तो यहाँ पे तो दोनों के मैग्नीट्यूड ही लिखने हैं आपको राइट ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बी डॉट बी बी डॉट सी तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मान लो मान लो नहीं ये दोनों तो ज़ीरो ही है तो आपके पास ये वेक्टर बी का स्क्वायर है अपॉन ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एक बार कट हो जाएगा बचेगा एक बार बी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी तो ये ए की जगह पे क्या आएगा

फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे पास समझो प्रूव दैट करके बोला गया है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर गिवन दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी तो मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ कि हमें प्रूव करना है इसके इक्वल ये जब आपको गिवन है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। नहीं उल्टा प्रूव करना होगा ना कि अगर ये दिया गया है तो आपको ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी परपेंडिकुलर हो ऐसा तो मैं ऊपर से ये हमें टू प्रूव में आएगा ये टू प्रूव करना है गिवन क्या है हमें गिवन ये हुआ कि ये वेक्टर ए प्लस वैक्टर बी वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वल टू मोड़ में ए स्क्वायर प्लस मोड़ में बी स्क्वायर ये गिवन हुआ तो यहाँ से ए डॉट ए ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू वैक्टर ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर तो ये ए का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी बी का स्क्वायर राइट ये दोनों मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से तो आपको ये पता चला कि टू टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो विच मीन्स दैट ए vector एंड बी आर म्यूचुअली perpendicular बराबर फाइन चलो अब तो जो नीचे दिए गए है वो एम सी क्यू है देख लेते हैं उसको भी फटाफट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन नंबर में पूछा कि द थीटा द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी अगर ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो दिया ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो आपको पता है कि कॉस् थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा अब कॉस् थीटा की जो वैल्यू है इस पे आके बचा के कॉस्ट थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई टू बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा आपका आंसर यहाँ पे आपको बी क्वेश्चन बी जो है वो आपका आंसर हुआ सेवेंटीन सेवनटीन क्या बोल रहा है समझो ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन तैम ए प्लस बी इज द यूनिट वेक्टर इफ अच्छा ए और बी यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है मतलब कि इन दोनों का बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड वन होता है, a plus b जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, वो उसको यूनिट वेक्टर हमें बनाना है, तो मतलब कि वो तभी पॉसिबल है देखो, यहाँ पे मैं वन लिख सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये a plus b जो है into a plus b is equal मतलब इन शॉर्ट आपको पता ही है कि इसको कैसे लिखे टू ए डॉट बी मैंने स्क्वायर का एक्सपांशन किया है इज इक्वल टू वन ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये टू हो जाएगा वन प्लस वन टू प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू वन टू कॉमन निकालो तो ये वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू होगा अगर आप आराम से लिख दो तो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ये दोनों वन है तो कॉस थीटा माइनस वन बाई टू हुआ माइनस वन बाई टू मतलब कि कॉस सॉरी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू विच मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू पाई माइनस वन बाई टू मतलब पाई बाई थ्री विच इज मतलब ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री तो थीटा इसका रहेगा टू पाई बाई थ्री तभी वो दोनों जो बोला है वो होगा एटीन एटीन नंबर समझो द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट ये जो भी पूछा है वो आपको इसका वैल्यू लिखना है कि आई डॉट जे क्रॉस के जे आई डॉट आई क्रॉस के के आई क्रॉस जे समझ लो जे क्रॉस के आपको तो ये पता होना चाहिए कि आई जे एंड के ऐसे जाना है बराबर अगर ये जे क्रॉस के पूछा है तो इसका आंसर आई आएगा तो आई डॉट आई विच इज़ वन प्लस जे आई क्रॉस के पूछा है उल्टा तो माइनस जे आएगा जे डॉट माइनस जे विच मीन्स माइनस वन प्लस के आई डॉट जे तो के आएगा तो के इसका प्लस वन है तो इसका आंसर वन आएगा राइट चलो नाइनटीन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर ए एंड बी ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वैन थीटा इज इक्वल टू ये तो सबको पता है पाई बाई फोर पे ही होगा ठीक है बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा ये दोनों कैंसिल ही होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे होगा तो ये इसका आंसर है आज के होमवर्क में पूरा क्वेश्चन पूरा ये चैप्टर पूरा ख़त्म करना है इलेवन टू नाइनटीन और प्लस एग्जाम्पल जो भी बाकी वो ख़त्म करना है कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है चलो तो थैंक यू तो गाइज थैंक यू